सिख समाज सेवक एवं सदस्य गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोंदिया इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व जयंती की सभी गोंदिया जिला वासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। जसपाल सिंह चावला ने बताया, श्री गुरु नानक साहिब जी ने आज से करीब करीब 500 वर्ष पूर्व ही महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा दिया था। श्री गुरु नानक प्रकाश पर्व के शुभ दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए गए। श्री गुरु नानक प्रकाश पर्व के शुभ दिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर सिख श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोलने के लिए इंजीनियर जसपाल सिंह चावला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। सत श्री अकाल, मैं जसपाल सिंह चावला, सिख समाज सेवक व सदस्य गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा गोंदिया महाराष्ट्र, सभी गोंदिया नगर वासियों को एवं देशवासियों को सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व की अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। गुरु नानक साहिब जी की बाणी मानवता, एकता व बराबरी का संदेश देती है। गुरु साहिब की बाणी है, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब उपजया, कौन पले कौ मंदे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे घुसैया, कोई अलाए। गुरु साहिब की बाणी कहती है, कोई राम परमात्मा को राम के नाम से पूछता है, कोई अल्लाह के नाम से पूछता है, कोई यीशु मसीह के नाम से पूछता है, या कोई उसे ईश्वर के नाम से पूछता है। सभी उस परमात्मा अकाल पुरख वाहेगुरु के नाम है और सभी एक है। साथ ही गुरु साहिब ने औरतों को भी बराबरी का दर्जा दिया था बाणी में। गुरु साहिब कहते हैं, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, भाव उस स्त्री जिस स्त्री से सारे पीर पैगंबर देवी देवते औलिये पैदा हुए हैं, उस स्त्री को तुम बुरा कैसे कह सकते हो। तो गुरु नानक साहिब की बाणी जो है औरतों को भी समानता का दर्जा देती है। सात संगत जी, आप सभी को गुरु नानक साहिब जी के 550वें प्रकाश पर्व की अनेकों शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक सदगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में मैं अरदास विनती करता हूँ कि सदगुरु सच्चे पातशाह जी सभी को अच्छा स्वास्थ्य के साथ साथ उज्जवल भविष्य प्रदान करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।